हेलो दोस्तों दोस्तों कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हमें कुछ चीजों के बारे में मालूम ना होते हुए हम अपना पर्टिकुलर ड्रीम जॉब अचीव नहीं कर पाते। अब मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि अगर आप मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं आपको क्या क्या चीजें करनी होगी, और ये सबसे बेहद आसान तरीके हैं अगर आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि मैजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन जो है उसकी प्री क्वालिफिकेशन है कि आपने लॉ करा होना चाहिए, राइट। अगर आपने लॉ चाहे 3 ईयर किया है या 5 ईयर किया है, और आपको अपना एज क्राइटेरिया चेक करना है, कई स्टेट्स में 32 ईयर्स एज है मैक्सिमम जो है, 35 भी है, और कुछ स्टेट्स में 37 तक का लीवरेज प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इवन ये एज रिलैक्सेशन 42 ईयर्स तक है। तो आपको इसके अलावा करना क्या है? दोस्तों सबसे आसान तरीका है कि जब आप लॉ का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, दैट मीन्स चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, और अगर आप 5 ईयर लॉ कर रहे हैं तो आपके और ज्यादा चांसेस हैं इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के। ऐसा क्यों? आपको प्रॉपर एक फुल फ्लेज टाइम मिल रहा है कि आप उस टाइम पे उस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको करना किस वे से है, इसमें जो जुडिशरी का एग्जामिनेशन है, राइट, आपको 3 स्टेजेस क्वालिफाई करनी होगी। एक बार जब आप लॉ एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको सबसे पहले बैठना होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड है। इसको आप क्रैक कैसे करेंगे? प्रॉपर बेयर एक्ट्स को फॉलो करना है। दोस्तों जो लॉ एग्जामिनेशन है आपको सबसे पहले बेस बनाना है बेयर एक्ट्स का, उसके बाद आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, जो कि पूरे का पूरा सिलेबस ऑलरेडी आप लॉ कॉलेज में कर रहे हैं। तो आपको यह जानना है जो भी स्टेट आपकी टारगेट है कि आपको एक्स वाई जी स्टेट में बैठना है, दैट मीन्स आपको एक बार गूगल करना है उस स्टेट का जो पर्टिकुलर सिलेबस है, ऑलमोस्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आईपीसी सीआरपीसी, राइट, एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, मेजर सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कॉमन है ज्यादातर स्टेट्स में। तो आपको लॉ जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं ट्राई कीजिए आप इन सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाइए। अब दूसरा पार्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नॉर्मली पुट करते हैं लोग के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है कहां से करनी है। दोस्तों जो एग्जामिनेशन है आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, बट आपके पास प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। पढ़ना कहां से है, किस वे से पढ़ना है, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको बेरट्स का ध्यान रखना है, और जब आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ के साथ आपको मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और जो थर्ड एस्पेक्ट है कि इस एग्जामिनेशन में चांसेस इंप्रूव करने का कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए, दैट इज द थर्ड स्टेज, इंटरव्यू स्टेज। दैट मीन्स पहले प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, देन मेंस, दैन इंटरव्यू। बट यहां पे मैंने इंटरव्यू की मैं आपको इस वजह बता रहा हूं कि आपको किसी ना किसी मेंटर या गाइड की डायरेक्शंस फॉलो करनी होगी कि आपको day 1 से प्रिपरेशन कैसे करनी है। और दोस्तों लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेंस में आपको लैंग्वेज एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना है। दैट मीन्स ज्यादातर स्टेट्स में इंग्लिश का एग्जामिनेशन और एडिशनल जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ये सब जो एडिशनल लैंग्वेज एग्जामिनेशन है, अगर आप इनमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप चांसेस इंक्रीज करेंगे कि आप ओवरऑल अच्छा स्कोर कर पाए इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अब एक और क्वेश्चन यहां पे पुट किया जाएगा कि आपको फॉर्म कब फिल करने हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉ एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं या आप लास्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है स्टेट की वो अच्छे से गो थ्रू करनी है। वहां पे लिखा होगा कि आपके पास किस पर्टिकुलर डेट तक एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कीजिए जिस भी स्टेट में आप अपियर होना चाहते हैं। और एडिशनल वीडियोस के लिए अगर आपको जुडिशरी के रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस चाहिए, आपको यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड किया है इस पर्टिकुलर पेज पे, आप उन वीडियोस को चेक कीजिए, आपको एडिशनल नॉलेज मिलेगी कि इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन किस वे से करनी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर इस चीज को शेयर कीजिए।